दीदी आज तो बहुत ज्यादा थक गए हम लोगों ने। इतनी माइनिंग की, सब कुछ हमें मिल गया, खाने का भी इतना सामान मिल गया यार। अब मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। हाय अजाम सो हैप्पी, मुझे तो खाने के लिए बहुत चीजें मिल गई है। अब तो चलो जल्दी से जाके यहाँ पे सो जाते हैं। बस बिल्कुल, मेरे को भी सोना, मेरे से खड़ा भी नहीं रहा जा रहा यार। मेरा बेड उस तरफ है। दीदी दीदी सो गई है क्या? सो गया है दीदी? ठीक है भाई, पर्दा तो लगाने। एक सेकेंड, ये सब बाहर में ये रेड ब्लू क्या है? है? एक मिनट, ये मैं हूँ? अरे दीदी तो नहीं यार, दीदी तो सो रही है भाई। मेरे को लगता है बहुत ज्यादा थक गया हो ना, सपना ले रहा हूँ अजीब अजीब सा। छोड़ो भाई, सो जाते हैं यार। बस बस, मैं भी बहुत थक गया हूँ। गुड नाइट गाइस। आयुष एकदम बाहर आओ, यहाँ पे सारी पुलिस की फौज आई है तुम्हें पकड़ने के लिए। एक सेकेंड, क्या एक मिनट, पुलिस आई है? मैं नींद में। बाहर में पुलिस क्यों है इतनी? ओह माय गॉड, जल्दी बाहर आओ, ये लोग तो बुला रहे। दीदी दीदी उठ, दीदी बाहर देखना कौन है। दीदी उठ, हेलो। अरे क्या हुआ आयुष? दीदी बाहर देख, यहाँ से पुलिस आई है, बाहर में देख। पुलिस क्यों आई है पुलिस? अरे दी मेरे को क्या पता, पुलिस हमें बाहर बुला रही है। क्या बोले भाई? अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रही है, इतने सारे पुलिस बाहर क्यों है? अरे दीदी देख, टीवी पे न्यूज आ रहा है, एक सेकेंड। आज की ताजा खबर, मोरटाउन के विलेज में बहुत ही ज्यादा तबाही हुई है। यहाँ पर हमें पता चला कि आयुष और एकता ने जॉइंट बनकर पूरे विलेज को तबाह कर दिया है। ये दोनों पागल हो चुके हैं, पता नहीं क्यों इन्होंने सारा विलेज तबाह कर दिया। ये दोनों बहुत बुरे हैं। मैं पुलिस से दरख्वास्त करती हूँ कि इन्हें जल्दी से जल्दी पकड़ लिया जाए, ये लोग इविल हैं। अरे दीदी ये क्या आया न्यूज में? ये क्या हुआ? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, हम लोग दोनों ने क्या तबाही मचाई। आयुष मैं तो आराम से यहाँ पे सो रही थी। दीदी तूने कुछ गड़बड़ किया है, तूने ही किया, तू इविल ही है भाई। मेरे को नहीं पता तूने कांड किया कुछ तो। मैंने तो कुछ भी नहीं किया आयुष यार, प्लीज। मैं तो यहाँ पे कुकी के सपने ले रही थी। क्या करे, बाहर आ जाओ तुम लोग, हम लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जल्दी बाहर आओ। अरे दीदी बाहर बुला रहे हैं ये लोग, क्या करें? हाँ आयुष बाहर तो जाना ही पड़ेगा, चल चलते बाहर में देखते क्या कांड हुआ है। चलो 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 निकलते। ओ माय गॉड, ए ये सब क्या है? इतना बड़ा बड़ा खड्डा हमारे घर के बाहर है? मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है, ये क्या ब्लू कलर का, रेड कलर का? ओ, और इतने सारे पुलिस आयुष, और विलेजर्स भी सब गुस्से में। वहाँ पर तो पूरे विलेजर्स की भीड़ आई है, बाप रे भयंकर गुस्से में सब लोग। इनसे बात करें कि ये लोगों ने की है ये हरकतें? हम लोग तो यही पे ही है सर, क्या हो गया? इतनी भीड़, इतने विलेजर। चलो चलो चलो, हमारे साथ जेल में चलो। क्या हो गया अचानक? एक सेकंड, तुम लोग दोनों ने यहाँ पे पूरा तबाही मचा दिया है। ये देखो तुम लोग ये रात को क्या कर रहे थे, इतना बड़ा पाव। ये एकता का बहुत बड़ा पाव है, उधर में वो तुम्हारा इतना बड़ा पाव है। अरे हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया ऑफिसर, हम लोग तो सो रहे थे। ए, 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 ये झूठ नहीं, मैं कुछ, हम लोग कुछ नहीं जानते। दीदी तो इतना खाना वाना लेके आई थी। झूठ नहीं बोला, तुमने न्यूज में देखा कि नहीं देखा? तुम लोग दोनों ने तबाही मचाई है। तबाही मैंने देखा न्यूज में, लेकिन वो हम लोग नहीं थे दीदी, हम लोग नहीं थे ना। हम लोग घर जा रहे हैं, मतलब क्या दी आ जा। घर नहीं जाना है क्या सर? मैंने बोला घर नहीं जाना है, चलो जल्दी से चलो। अरे ठीक है सर, ठीक है, जल्दी से चलो। स्वॉट टीम आई है दीदी, चल यार हमारे जीप में बैठो फटाफट। ओह शिट, अरे सर मतलब दीदी तो बैठ गई, गड़बड़ है यार, मतलब बैठ गया हूँ सर सर, दिक्कत हो रही है, मतलब क्यों? तुम लोग दोनों बहुत बड़े मुजरिम हो, और यहाँ पे सारे के सारे विलेजर्स तुम लोग सबसे परेशान है। अरे सर वो जो विलेज की तबाही, ये सब हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। ये तुम लोगों ने ही किया है, ये देखो तुम्हारे बड़े बड़े पाँव हर जगह। ओह माय गॉड, इतने भयंकर पंजे, ये सब क्या चल रहा है? ये क्वेश्चन तो मुझे तुम लोग से पूछना पड़ेगा, तुम लोग दोनों बहुत बड़े मुजरिम हो गए, और तुम्हें तो एक स्पेशल जेल में डाल रहे हैं हम लोग।
अरे शिट, ये क्या हो रहा है? ओह माय गॉड, कितना दूर ले जा रहे हैं हम लोग को। आप ये कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मैंने बोला ना, वो जेल सिर्फ तुम लोग दोनों के लिए बनी है, वहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ एक दो मुजरिम और है। ओह शिट, ये देखो हमारा ये जेल आ गया है। ओह शिट, ओह ये तो बहुत ही खतरनाक जेल लग रहा है सर। आयुष, ये तो बहुत खतरनाक है यार, क्या करेंगे हम लोग? मेरे को नहीं पता, मेरे को तो नहीं जाना है जेल में, मेरे को नहीं जाना। सर, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया सर। दीख, बैठ जा गाड़ी में, मैं गाड़ी चलाता हूँ, बैठ जा। ओ, अबे ये गाड़ी में तेल खत्म कर दिया आपने, ये क्या हो गया? मैं गाड़ी को मार क्यों रहा? अभी जाओ तुम लोग, अभी जाओ, ये वैन को भी मैंने तोड़ दिया है। अरे यार, ओ शिट, यहाँ पर तो बहुत कुछ गाड़ी वाड़ी सब कुछ पड़ा है। ओ माई गॉड, हाई सिक्योरिटी है यहाँ पे तो। इधर तुमने आगे जाने की कोशिश कैसे की? अरे ये क्या किया, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है सर। सर ऐसे मत मारिए, जल्दी आओ इसके अंदर, तुम लोग दोनों को मैं जेल में बंदी बनाऊंगा। दीदी यार, सर वो दीदी को छोड़ दीजिए, दीदी को छोड़ दीजिए ना सर, दीदी ऑलरेडी डरी हुई है। हाँ सर प्लीज, मुझे छोड़ दीजिए ना, मैं नहीं जाऊंगी। वही तो, तुम दोनों मुजरिम हो, तुम लोग दोनों को ही अंदर जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एकदा को छोड़ दूँ। ठीक है चलो। ओ माय गॉड, आजा दीदी। तुम लोग दोनों का अब ये जेल है, इसके अंदर तुम लोग जा सकते हो। सर नहीं जा रहा है सर, सर जेल का दरवाजा भी नहीं चाहता है सर। सर क्या कर रहे हैं सर, दर्द होता है सर। जाओ इसके अंदर, जाओ। ठीक है जा रहे यार सर। तुम भी जाओ एकदम। मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को नहीं जाना है, मेरे को नहीं जाना है। अच्छा वो आयुष, तूने एकदा को अंदर ले लिया, नहीं तो मैं इसको मार मार के इसको दूसरे जेल के अंदर डालता। अरे सर प्लीज, अबे छोड़ दीजिए वो। ठीक है फिर, मैं जा रहा हूँ। नहीं सर, अरे दीदी इन्होंने तो बेमतलब का फंसा दिया है हम लोग को, यहाँ पे बहुत सारे पुलिसमैन खड़े हैं। भाई सच में यहाँ पे बहुत सारे पुलिस है, अभी यहाँ से कैसे निकलेंगे? काम करते हैं हम लोग ना, रात को ही सोचते हैं, रात को तो सब सो ही जाते हैं ना, तब निकल लेंगे। कुछ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने तो कुछ किया नहीं है। पता नहीं कौन इविल एकता, कौन इविल आयुष आ गया इस वर्ल्ड में, हम लोग उसका सजा क्यों काटेंगे? सही बोल रहा है आयुष, गलती तो हमारी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, रात होने तक का वेट करते हैं। A few moments later, दीदी इन्होंने मैं खाना देने के लिए यहाँ पे बुलाया और देख रात हो गई है ना, देख पुलिसमैन बहुत कम हो गए हैं, मैंने बोला था ना, है ना? सही बोल रहा है क्योंकि इतने सारे पुलिस थे वो है नहीं। देख एक तो पुलिस यहाँ पे है ऊपर, और बाकी इस साइड तो कोई नहीं दिख रहा मुझे, इसे तो भरे पड़े थे यहाँ पे पूरा पुलिस। देख एक वो रहा। हाँ हाँ, हम लोग निकल सकते हैं, अच्छा मौका है। रुको, वो उस साइड दिख रहा है, वो उस साइड देख रहा है। मेरे पैर में दर्द हो रही है, निकल, अपना नाम ठीक करना होगा दीदी, हम लोग इसके ऊपर जांच करते हैं कि ये हुआ क्या है। मैंने रात को देखा था, पता है इविल एकता आयुष ये जो बोल रहे हैं ना, मैंने जायंट्स को देखा था, मेरे को लगा मैं नींद में हूँ। अरे क्या बात कर रहे, तूने सच में जायंट को देखा था? हाँ मैंने रात को देखा, मेरे को लगा मैं नींद में हूँ, लेकिन नहीं यार मैं नींद में नहीं था, इसका मतलब मैंने अपने जाइंट्स देखे हैं। आयुष मेरे को लग रहा है कि रियल में जाइंट तो है, और हमें ना उन जाइंट को ढूंढना पड़ेगा। दीदी हाँ यहीं पे निकलते हैं, मैं यही बोलने वाला था, हम लोग यहीं उतर जाते हैं क्योंकि हमारे घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी, वहाँ पे अभी भी गुस्से में भरे लोग होंगे। नहीं कोई नहीं है, चल जल्दी कर, घर में घुसते आ जा। ओके, अरे नहीं दीदी है, सुनो इस घर में नहीं जा सकते हम लोग, इस घर में नहीं जा सकते, अपन को कोई विलेज के घर में जाना पड़ेगा। सुन, नहीं, हम लोग सीधा इन्वेस्टिगेशन करते, इतना टाइम नहीं है यार, हमें अपना नाम सही करना है यार, हम लोग को फांसी की सजा हो जाएगी नहीं तो। दीदी ये देख, जब पुलिस हम लोग को यहाँ से ले जा रही, ये रहा देख तेरे जैसा एकदम लाल पैर का निशान। भाई आयुष यार ये पैर तो इतना बड़ा है, इससे पता चल रहा है कि हमारा जॉइंट कितना बड़ा होगा। ये देख ये निशान यहाँ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा, ओह ये देख ब्लू, ओह हो यहाँ पर हमला तो हुआ है, देख घर भी टूटे हुए हैं यार,
आधे से ज्यादा तो। सही बोल रहा है तू, सही बोल रहा है आयुष। ये निशान जहाँ जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ वहाँ हमें जाना है। मेरे को क्या पता हम लोग सीधा जायंट के पास ही पहुँच जाए। हाँ हम लोग का नाम खराब हो गया, हम लोग अपना नाम ठीक करना है। ये पूरा धरती वरती सब कुछ टूट फूट कैसे गया है यहाँ पे। अभी यहाँ इतने दूर तक कोई जायंट का पाँव नहीं नजर आ रहा है आयुष मुझे। देखते है दी रास्ता तो मिलेगा ही, कहीं ना कहीं कहीं उड़ के तो नहीं जा रहे वो लोग इधर उधर। क्या बात कर रहे हैं, वो लोग उड़ भी सकते हैं? देखते हैं। अरे इतने दूर तक चल चल के आ गए, यहीं कहीं पे होना चाहिए जायंट का पैर। दी ये रहा यहाँ पर देख, ये रहा एक और पैर का निशान। ये पानी से दूर जा रहा है यार, बहुत दूर जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो देख, वो भी तो पानी के अंदर ही है। वही तो बोल रहा हूँ, आजा हम लोग चलते हैं फटाफट, वहाँ पर भी लैंड है आई थिंक, वहाँ पर भी होगा। ये देखो यहाँ पर एक और पानी में निशान मिल गया। अभी पानी से निकले तो यहाँ पर भी है, ऐसे करते करते चल एकदम आगे तक जाते हैं जब तक हमें कुछ मिल नहीं जाता है। आजा। सही बोल रहा है आयुष। आयुष ये देख यहाँ पे, ये मेरे को क्या दिख रहा है, और पैर भी है। अबे ये सब क्या चल रहा है, यहाँ पे प्लेन क्यों है दीदी? तू प्लेन छोड़, तेरे को वहाँ पे धुआं धुआं नहीं नजर आ रहा है? ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये क्या है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। वहाँ पे रेड और ब्लू कलर का कुछ बना हुआ भी है। ये दी रुक, इतना भी फटाफट मत जा, मेरे को गड़बड़ लग रहा है। ये कुछ पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, ब्लैक मैजिक का सा है। मेरे को ब्लैक मैजिक वाला जैसा फीलिंग तो नहीं आ रही है, पर एक बार चेक करते हैं यार आयुष क्या चल रहा होगा। किसे कौन बनाएगा इस दुनिया में, क्या लग रहा है वहाँ पे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। देख ब्लू और रेड, वही तो मैं बोल रही थी, मैंने दूर से देखा था इसको। रुक, कुछ आवाज आ रही है मेरे को। आवाज तो आ रही है, कुछ तंत्र मंत्र जैसी आवाजें आ रही है। ओह माय गॉड आयुष सामने देख, क्या है? मैंने बोला था ना यहाँ पे ब्लैक मैजिक हो रहा है, यहाँ पे रिचुअल हो रहा है दीदी। वो देखो सबकी आंखें देखो, सबके हाथ देखो, ये सब रिचुअल कर रहे हैं। थोड़ा सामने से जाके देखे क्या है। हाँ इसके पीछे छुप के देखते, हेबल के पीछे। जल्दी इधर आ, ये देख यहाँ पे। ओह माय गॉड ये देखो एक रिचुअल चल रहा है यहाँ पे। ओह माय गॉड आयुष तो खतरनाक लग रहा है एकदम। दी क्या करें, और पास जाके देखिएगा क्या चीज का रिचुअल हो रहा है। हम लोग से ही कनेक्टेड है ये चीज, और तो अभी तो हम लोग का पैर यहाँ तक आया है। देख ब्लू और रेड भी है यहाँ पे। नहीं नहीं आयुष हम लोग मर जाएंगे फिर। नहीं कुछ नहीं होगा ना, देखते यहाँ पे। माय गॉड मेरे को तो डर लग रहा है। यहाँ पे देखते है ना, इतना डर मत। इधर यहाँ पे ओके, यहाँ से यहाँ पर रिचुअल हो रहा है। इनका शक्ल देख रहा है, क्या खतरनाक लग रहा है, आंखें देख इनकी। हाँ ए तो पीछे जा और पता नहीं किसको हमसे दुश्मनी है आयुष। बंदर शिट, क्या कर रहे हो? ओह माय गॉड आयुष इसने हमें देख लिया, इसके हाथ में क्या है? मुझसे ना इसके हाथ में तो तुम लोग यहाँ पे कैसे आए? रुको मैं तुम लोगों को सबक सिखाता हूँ। ओह शिट ओह अरे क्या हो रहा है दी? ओ भाई आयुष से कुछ पोषण फेंका है। ओ बाप रे बाप, ये क्या? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। एक सेकंड मैं कहाँ पे हूँ भाई? ओए मेरे को किसी ने बरेड कर दिया है, जमीन में गाड़ दिया है मेरे को। ओ माय गॉड, ओ यहाँ पे क्या पड़ा? दीदी कहाँ गई? दीदी भी तो मेरे साथ थी। दीदी का नाम यहाँ पे आ रहा है। दीदी तू यही है क्या? हेलो आयुष ये मैं कहाँ पे आ गई हूँ? कोई खट्टा लग रहा है। हम लोग को बरेड कर दिया। ओह देखो हम लोग को किसी ने जिंदा गाड़ दिया यार। वो यहाँ पे तो लाशें हैं। आयुष यहाँ से बाहर निकलते हैं। ये क्या है? ओह बाप रे दीदी हम लोग को यहाँ पे जिंदा गाड़ दिया, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? आयुष यहाँ पे तो ये तेरा शक्ल जा रहा है, ये देख तेरा हेड है। मेरा हेड जा रहा है, यहाँ पर लग भी रही है। दीदी हम लोग का क्लोन बन रहा है यहाँ पे। हम लोग वही पहुँच गए जहाँ पे, अच्छा ये हो रहा है यहाँ पे। इविल आयुष और इविल एकता का क्लोन यहाँ बन रहा है। आयुष ये तो बहुत खतरनाक जगह है और हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। ओह शिट ये हम लोग कहाँ फंस गए हैं? अभी निकलेंगे कैसे यहाँ से? यहाँ से निकलते हैं चल, ये रास्ता भाई यहाँ पे खून खराब है, अच्छा नहीं लग रहा है। निकलते हैं यहाँ से। ये कहाँ आ गए यार दीदी? आयु ये तो नेदर वर्ल्ड लग रहा है मुझे। बाप रे बाप, ओए यहाँ पे खून खराब है। और ये कौन है? ये तो गार्ड्स लग रहे हैं, और ये कोई तरह का कासल लग रहा है। सही बोल रहा है आयुष ये तो काफी खतरनाक सा लग रहा है। इनके हाथ का स्वॉर्ड देखा तूने? हाँ क्या करे, चले क्या? अच्छा देखते हैं। ये तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। दीदी ये कौन है? ये देख आयु ये तो काफी खतरनाक लग रहा है। ओह माय गॉड, तुम लोग यहाँ पे आ गए हो, मैं तो तुम लोग का कब से इंतजार कर रहा था। आयुष ये तो कोई खतरनाक आदमी लग रहा है मुझे।
तो आप कौन है? आप हम लोग को इस तरीके से क्यों फंसाए? मेरे को लगता है ये सब आप ही का कारनामा है, क्योंकि हम लोगों ने आपके बेस में देखा है। एकदम सही बोला, ये मेरा ही कारनामा है। मैंने ही तुम लोग को बुलाया है। तुम लोग का इंतजार करते करते मैं तो थक गया था। हाँ, अच्छा हुआ तुम लोग दोनों मेरे सामने आ गए हो। तुम लोग को देख के मेरे को बहुत शांति मिली है। माय गॉड दीदी, इसी बंदे ने हमारा क्लोन बनाया है, इसी ने हमें इविल बना दिया है। जाओ इनके लिए खाना लेके आओ, यही लोग है जो हमारा काम करेगा। क्या काम करेंगे? हम लोग कोई काम नहीं करने वाले। आपने हमें बदनाम किया है। अरे बदनामी तो करना था मुझे अपना काम करवाने के लिए। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मैं चाहता हूँ मैं इस पृथ्वी का सबसे बड़ा शक्तिशाली राजा बनूं, और मेरे जो अपोजिट में है ना ये एंजल, तुम्हें उसे मारना पड़ेगा क्योंकि वो मेरी जगह ले रही है। ओह माय गॉड दीदी, ये चाहते हैं कि हम लोग एंजल को खत्म कर दे ताकि ये इस दुनिया के सबसे बड़े राजा, सबसे बड़े डीमन किंग बन जाए। पर आयुष, मैं तो एंजल को नहीं मारना चाहती हूँ। वही तो यार, हम लोग तो सब एंजल से ही प्यार करते हैं, ऑब्वियसली इसको कौन बनाना चाहता है। क्या बोल रहे हो तुम लोग? तुम लोग मेरा काम नहीं करोगे? नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे। हम लोग क्यों करेंगे? ऐसे तो वर्ल्ड में तबाही आ जाएगी। सैनिकों इसे पकड़ो। नहीं, हम लोग काम करेंगे। नहीं कर देंगे। आयुष काम करेंगे ना? हाँ कर देंगे। आप हम लोग का लेकिन इविल सब हटा देंगे, जो इविल आयुष इविल एकता सब हटाएंगे आप। हाँ मैं हटा दूंगा, पर तुम्हें एंजल को मारना पड़ेगा। ठीक है, आप हमें एंजल के पास भेजिए। हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा मन तो नहीं है। सैनिकों इसे एंजल के पास लेके जाओ। अरे दीदी, ये कहाँ टेलीपोर्ट कर दिया उस डीमन किंग ने? आयुष ऊपर में देख यार, ये क्या है? ये तो बड़ा सुंदर सा लग रहा है। वाओ दीदी, वाइब भी कितना अच्छा है, देखना। और एकदम पीसफुल फील हो रहा है मुझे यहाँ पे। वही तो, वहाँ पे तो इतना हैवीनेस फील हो रहा था और हमें यहाँ पे इन्हें मारने के लिए भेजा है। और मारेंगे भी कैसे हम लोग, क्या करेंगे? मेरे को तो समझ भी नहीं आ रहा। यहाँ से देख, सीढ़ी है नीचे जाने का। ओके चल आयुष नीचे चलते हैं। ये सब क्या हो रहा है? दीदी देख। आयुष ये तो एंजल क्वीन लग रही है मुझे। वही तो, ये एंजल है। वो देखो उनके गार्ड्स भी है। हम लोग इनको मारेंगे भी कैसे? हमें तो उसने कोई वेपन भी नहीं दिया यार, मतलब एंजल को मारने के लिए बस बोल दिया मारो। आयुष मैं तो एंजल को नहीं मारूंगी यार, एंजल अच्छी होती है। उसने हमें देख लिया दीदी, अल्लाह। आयुष चलो अंदर चलते हैं। चलिए। क्या बात है यार, आयुष कितना सुंदर है ये। प्रणाम एंजल क्वीन, प्रणाम। तुम तो आयुष और एकता हो ना? हाँ एंजल, मैं एकता हूँ और ये आयुष। हाँ हम लोग आयुष और एकता है। तुम लोग मुझे यहाँ पे मारने आए हो मुझे लगता है। अबे दीदी इनको तो सब पता है यार। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा आयुष। नहीं हम आपको नहीं मारने आए हैं। बिल्कुल नहीं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने आए हैं। मुझे पता है तुम लोग को डीमन किंग ने मुझे मारने के लिए भेजा है। नहीं, हम लोग तो डीमन किंग को जानते ही नहीं है। कौन है डीमन किंग? मैं सब जानती हूँ। उसने तुम लोग का क्लोन बना लिया है और वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो खुद डीमन किंग बनना चाहता है, इस दुनिया का सबसे बड़ा राजा बनना चाहता है वो। आयुष ने तो सब मालूम है। हम आपको नहीं मारना चाहते, मैं सच्ची बोल रही हूँ। मैं और आयुष दोनों नहीं मारना चाहते। आयुष बोल नहीं मारना चाहता ना? हम लोग नहीं मारना चाहते आपको, लेकिन हम लोग प्रॉब्लम में फंस गए। उसने हमें बदनाम कर दिया पूरे मोर टाउन में। उसने हमारी ऐसी इमेज बना दी है कि हम लोग ही सबको मार रहे हैं एंड ऑल, तो मजबूरन हमें यहाँ पे आना पड़ा। ये भी मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। मैंने अपने दृश्य में सब देख लिया है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करें? अब जब सब जानते ही हैं तो। एंजल मैं सच बोलूँ आपको, मैं तो डीमन किंग को मारना चाहती हूँ। काश कुछ ऐसा हो जाए कि डीमन किंग मर जाए। वही मैं भी यही चाहती हूँ, और इस पे मैं बहुत सालों से काम कर रही हूँ। ओके तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तुम्हें मेरे राइट साइड में एक दरवाजा दिख रहा है? हाँ वहाँ पर एक दरवाजा है। उसके अंदर में मैंने सालों की तपस्या करके मैंने एक डीमन किलर बना लिया है। आयु डीमन किलर, क्या बात कर रहे हो एंजल? ओके चले।
मैं चाहती हूँ कि तुम लोग वो डीमन किलर लो और जाके डीमन किंग को मार दो, तब सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, दुनिया में पीस भी आ जाएगा, तुम लोग का नाम भी सही हो जाएगा और कोई तुम लोग का क्लोन भी नहीं रहेगा। ओके दीदी, ये सही है, ये सही रहेगा, सही सही बात है, कोई उड़ा देते हैं। ये सही है, जाओ फटाफट जाकर बुराई खत्म कर दो। वाओ दीदी, ये रूम भी कितना मस्त लग रहा है, बहुत ज्यादा सुंदर है। ये देख, ये रहा डीमन किलर का आर्मर और वेपन्स। ओके सही है यार आयुष, चल इसको पहनते हो, डीमन किंग को मारते हैं। लेट्स गो, उठा ले यार ये सब, ले लो, लेट्स गो। और यहाँ पर ये क्या वेपन दिया है हमें, थंडर स्पीयर, और ये तो वही स्वॉर्ड है जो उसके पास था, फायर स्वॉर्ड, और ये डेथ हैमर। ओ माय गॉड दीदी, इन सब से तो हम लोग उसका पूरा खेल खत्म कर सकते हैं, लेट्स गो। आयुष हम लोग तो बहुत सही लग रहे हैं यार, बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए। लेट्स गो, चल जाके हम लोग उसको खत्म कर देंगे। एंजल क्वीन, हम लोग डीमन के पास जा रहे हैं। ओके जाओ दी, चल फटाफट, लेट्स गो लेट्स गो दीदी, डीमन किंग को हम लोग खत्म करेंगे। आजा आयुष, कहाँ पे वो जगह थी, कहाँ पे ये जगह है, डिफरेंस देख रहे तू? वही तो, ये नर्क है भाई, खतरनाक नर्क है ये। चलो दीदी हम लोग डीमन किंग तक तो पहुंच गए हैं, चल इसका खेल खत्म करते हैं और सारा का एंड करते हैं, लेट्स गो। चल आयुष, डीमन किंग। ओ आयुष और एकता, तुम लोग आ गए हो, मुझे तो पता ही था वो एंजल क्वीन तुम लोग का माथा घुमा ही देगी और तुम मुझे मारने के लिए आओगे। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सुना, हम लोग आपको खत्म करने आए हैं, ये एक एंजेलिक आर्मर स्वॉर्ड है, इससे हम लोग आपको खत्म कर देंगे, लेट्स गो। Yes! सिपाहियों इसे मारो। ओ दीदी मारो इनको, लेट्स गो। ये देख आयुष बैरिकेड पे है। वाओ लेट्स गो भाई, ये आर्मर बहुत ही कमाल का है, और ये वेपन्स देखो गाइस, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ये सबको मारो आयुष। यस मैं तो यहाँ पे इन सबको कर रहा हूँ भाई, लेट्स मारो इनको आयुष। ओ इनको यहाँ पे फंसाओ आयुष, ये देखो हमें मारने के लिए आ गया है। ओ भाई ये हम लोग पे हमला कर रहा है। यस दीदी ये देखो इस पे किया मैंने हमला, लेट्स गो, बस इसकी थोड़ी सी हेल्थ है दीदी। ओ यस लेट्स गो दीदी, बहुत बढ़िया। चल अभी हम लोग ये पूरा का पूरा किला ही उड़ा देते हैं बाहर से, आजा। चल आयुष फटाफट, पहले यहाँ से इसका रास्ता बंद कर देते हैं, ये हम लोगों ने इनको फंसा दिया है। ओके बहुत बढ़िया दीदी, आजा आजा। आयुष मैंने यहाँ पे ना टीएनटी लगा दिया है। ओके लेट्स गो दीदी, इस टीएनटी को इग्नाइट करते हैं और खेल खत्म करते हैं। ओके लेट्स गो दी, ये देखो इनके सिपाही अभी भी आ रहे हैं मारने के लिए इनको तो। यस लेट्स गो, मर गया ये लोग, दी टीएनटी इग्नाइट नहीं हुआ है अभी, ये हम लोग यहाँ पे टीएनटी इग्नाइट करते हैं। ओके आग लगा दिया थी, टीएनटी चल गया है, और यहाँ पर दी बेस उड़ा दिया हम लोगों ने, लेट्स गो। ओ माय गॉड आयुष चलो यहाँ से भागो, लेट्स गो गाइस, हम लोगों ने फाइनली हमारे वर्ल्ड के डीमन किंग से बदला ले लिया और उसको खत्म कर दिया है। फाइनली हम लोगों ने अपना नाम सही कर लिया गाइस, तुम लोगों को मजा आया ना, तो तुम लोगों को लास्ट वीडियो देखने में भी खूब मजा आएगा, तब तक हमारी न्यू वीडियो आ जाएगी, तो चलो हम लोग मिलते हैं इन वीडियोस में, टिल देन बाय बाय। Bye!